हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग्स में हम शाकंभरी देवी ट्रिप दिखाएंगे आपको अपने रूम से स्टार्ट करके। तो अभी चलते हैं बाहर। अभी बाहर मोहित खड़ा है, ये देखे ये खड़ा है बाहर। और अभी हमारे स्प्लेंडर तैयार है, तो अभी निकलते हैं। माय न्यू ब्लॉग और हम आ गए हैं यहाँ। तो देखिए बुला आ चुके हैं। अभी हम पुल पे नीचे उतर रहे हैं और उसके बाद घंटाघर आ गया है। तो गाइस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम पहले ही लेट चले हैं। इधर ये लेफ्ट हैंड जो रास्ता जा रहा है ये रेलवे स्टेशन के पे जा रहा है। और इधर ये सामने नेहरू मार्केट, नेहरू मार्केट से होते हुए हम शाकंभरी देवी मंदिर रोड पर पहुँचेंगे। और अभी ये नेहरू मार्केट जो शाहपुर की फेमस मार्केट है, इधर अंदर एंटर हो चुके हैं। और इधर कुछ रेस्टोरेंट भी है जो अच्छे अच्छे होटल हैं, राजदूत रेस्टोरेंट। नेहरू मार्केट है, इसमें खासकर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि ये शाहपुर की मेन मार्केट है। इधर राय वाला भी पास में ही पड़ता है, राय वाले में भी कपड़ों की मार्केट है। अच्छे लोग दूर दूर से यहाँ कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। तो अभी गाइस सब बड़ी बड़ी बाइकों पे मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। आज हमने सोचा कि स्प्लेंडर पे मोटो ब्लॉगिंग की जाए और हम शाकंभरी देवी मंदिर पर जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और अभी पेट्रोल भरवाएंगे, इधर पेट्रोल पंप पे मुड़ेंगे। देखिए ये भारत पेट्रोलियम के नाम से है। देखिए भाई हम मैसे निकाल लग रहा है, तो भाई अभी पेट्रोल डाल लेंगे। है 130 का डलवा लें। ये अभी पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने वाले हैं अपनी बाइक में, 130 का फीड कर दिए। भाई डेली पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं। और ये हम जैसे लड़कों को प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो सभी को प्रॉब्लम हो रही है। और अभी पेट्रोल हमने भरवा लिया है और निकलते हैं अभी। हमारा कलर शुरू
से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। अभी थोड़ी अभी आधा घंटा लगेगा करीब पहुंचने के लिए। थम्स अप और ये ठीक है ना। और ये मोहित को ज्यादा प्यास लगी थी, ये पीने भी लग गया पहले ही। और देखे तो अभी मुझे भी खाया पिया नहीं था तो चलते हैं अभी। रोड आ चुका है अभी 21 किलोमीटर यहाँ से शाकुंभरी देवी, और ये बेड पहुँच चुके हैं हम। देखिए इधर दो तीन बोर्ड लगे हुए हैं, इधर मसूरी छुटमलपुर रोड की, और ये सामने हथनी कुंड जयराज, और ये सामने माता शाकुंभरी कोटा साहिब भी इधर पर ही रास्ता जाता है। इधर हम किसी को पता करते हैं, वैसे हमें मालूम नहीं है रोड। हेलो हेलो, ये शाकुंभरी देवी रोड। तो इधर बेट से हमें ये शाकुंभरी देवी रोड जो आया है उसका गेट, उसमें एंटर कर चुके हैं, और अभी ये रोड आठ किलोमीटर है शाकुंभरी देवी, और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। और ये सामने देखिए किस तरह का पेड़ है, ये फूल अलग ही कलर के डिफरेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं, और ये रेड बेड की सीमा समाप्त। यहाँ पे मंदिर विश्वकर्मा बहुत आ गए हैं, और अभी वापसी के लिए तैयारी है इनकी। ये देखिए हमारी एंट्री है और इनकी वापसी। अभी बस हम पहुंच गए हैं, ये शाकुंभरी देवी एरिया पड़ता है, और ये देखें इधर दुकानें जहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है, देखिए लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। और बुरादेव मंदिर तो पीछे है अभी आगे। और
किधर ये पार्किंग है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये पहाड़ी बहुत कुछ ज़्यादा ऊंचाई तो है नहीं पड़ेगी, ये सब पूरी देवी की पहाड़ियाँ हैं। और ये मोहित पानी भरता हुआ, तो ये पानी की प्यास लग रही है हमें बहुत, अब ये बोतल में पानी भर रहा है, और ये पहाड़ियाँ हैं आगे। अभी शौकुमरी देवी माता मंदिर पहुंच चुके हैं और अभी अभी यहीं पर खड़े हुए हैं और हमने सोचा कि देखिए शौकुमरी देवी माता के मंदिर आए हैं और अभी प्रसाद भी हमने सोचा प्रसाद भी चढ़ा लिया जाए जब आए हैं, तो प्रसाद लेगा हमारे दीवान जी मिल गए हैं रास्ते में अभी सेवा करते हुए। कोई बात नहीं, और जब भी शौकुमरी देवी लोग आते हैं और स्टार्टिंग में प्रसाद यहीं से ही चढ़ता है प्रथम बाबा भोरा देव जी का मंदिर पे, और इधर दीवान जी देखने को मिल रही है, देखिए लाइन में हमें भी लाइन में ही चलना पड़ रहा है। हाँ काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं और इधर भी कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे पहाड़ों में, एडवेंचर का नजारा ये देखिए इस तरह के पहाड़, देखिए जूम करके भी दिखाते हैं आपको, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर। और गाइस ये शौकुमरी में रक्तदंडी का मंदिर पड़ता है जहाँ 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था है और किसी भी इसको आए, और यहाँ पर रक्तदंडी का मंदिर है, रक्तदंडी का मंदिर है जहाँ 24 घंटे भंडारा की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था भी है, और यहाँ कोई भी आए यहाँ से शौकुमरी देवी मंदिर से 1 किलोमीटर आगे है, ठीक है सर बहुत ज़्यादा है फिर जिसकी वजह से मुझे उतरना पड़ा बाइक से, अभी पैदल ही चल रहे हैं क्योंकि पंचर वंचर भी हो सकता है अगर बैठकर चलेंगे तो। पूरी ये पहाड़ी इधर देखे ऊंची है अच्छी, और यहाँ आगे जा रहा है मोटरसाइकिल लेकर मेरी, गई सी देखे कोई बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे जो अपनी तपस्या में लीन है, आइए उनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं, बाबा जी बातें करते हैं, ये रहे राम राम आपा जी, ये देखें बाबा जी अपनी तपस्या में लीन थे, हमने डिस्टर्ब किया इन्हें, लेकिन कुछ बात करते हैं बाबा जी से। बाबा जी कहाँ से हो? ये रख दूँ इधर आ जा, बाबा जी का दुना यहाँ पे
बाबा जी नाम क्या है आपका? जगबाल नाथ। कितने दिन से है आप यहाँ पे? बचपन से ही इसी जगह पे हो या पहली बार दिखाई दिए हो? वैसे हमने 16-17 साल से मंदिर में बैठते हो यहीं पे? यहीं बैठते हैं। तो बाबा जी अंदर भी जाते हो उधर मंदिर? हाँ जी। तो बाबा जी आपकी वीडियो आएगी यूट्यूब पे? तो बाबा जी बहुत अच्छा। हाँ नाथ जी का ये देखे इधर, जो आपके गुरु थे। हाँ ये जब से शाकुंभरी माता है गाइस तब से ही ये धुना लगा हुआ है। ये बाबा जी भी यहाँ वैसे 17 साल से तपस्या में लीन है। हाँ जी 50 साल के लगभग हो गई है। और ये देखें तो बाबा जी आप हमारे बारे में भी कुछ बता सकते हैं, हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? नहीं फिर भी थोड़ा बहुत आप। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा जी ने एकदम सही बताया, मैं बाबा जी को अजमा कर देख रहा था, मगर देखते हैं कुछ बताते हैं नहीं, लेकिन सच में तो बाबा जी ने एक बात सच बात कही है बिल्कुल। तो गाइस मैं सही बताना चाहूँगा, हर आदमी हर इंसान अपने कर्म का खाता है और कर्म किस्मत की खाई उसे मिलता है। बस अपने कर्म करते रहिए और फल आपको मिलता रहेगा। हाँ जी इस दुनिया से आप लेकर कुछ नहीं जाएंगे सिवाय अच्छाई के। और हाँ जी जी ये देखिए बाबा जी। बाबा जी खाना खाने के लिए अंदर भंडारे में जाते हो आप? अच्छा बस ठीक है बाबा जी धन्यवाद। लाई चाय बल्कि हमें पिलानी चाहिए थी बाबा जी को। और ये मोहित, हाँ बाबा जी अपनी चाय और खाना खुद बनाते हैं और उधर मंदिर में भी उधर भी थोड़ा भंडारे में चले जाते हैं कभी कभी। तो बाबा जी ने हमें चाय दी है तो अभी पीते हैं प्रसाद समझकर। ठीक है गाइस, तो गाइस हम फिलहाल शाकुंभरी में ही हैं यहाँ पे और हमने प्रसाद चढ़ा दिया है और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, जाते हुए थोड़ा व्यू दिखाएंगे। और ये अपना मोहित साथ में है मेरी। तो गाइस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट थोड़ा कम मिल रहा है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और चैनल से सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चैनल को सपोर्ट कम मिल रहा है एक बार फिर कहना चाहूँगा, अंकुश भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और यार हम एक और चैनल खोलने वाले हैं, इस चैनल को थोड़ा चलने दीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे हम अपने एरिया का नाम थोड़ा फेमस कर सकें। थैंक यू। तो अभी हम जूस वाले की दुकान पर रुके हैं। गन्ने का जूस गर्मी में बहुत ही फायदेमंद होता है।